नहमदुहू वनस्तईनुहू वनस्तग़फिरुहू वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना वमिन सय्याति आमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्लला ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا حبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا جاءت للدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم منزه عن شريك في محاسنه فجهره الحسن فيه غير منقسم فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بڑے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم अल्लाह तबारक व तआला आपके फजल व करम से हम और आप सब यहाँ इस अजीम शान मस्जिद नूरुल हरम मेदीन में आज अल्लाह के महबूब का मिलाद मनाने के लिए सब यहाँ पर जमा है। दिल की गहराइयों से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से मेरी आपकी हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मौजूद मोहतरम मुख्तदर उलमाए इकराम आले रसूल शाह साहब क़िबला इमाम व ख़तीब जनाब मौलाना शाह साहब मौलाना अतीफ़ शाह साहब और मौलाना कुल्फी साहब और जनाब हमारे मौलाना आबिद हुसैन साहब और अजीज बुजुर्गों अजीज नौजवानों प्यारे बच्चों मोहत संपर्दा नशी बहनों बच्चियों और बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से एक अरसे के बाद
जामे मस्जिद नूरुल हरम में आने का इत्तेफाक हुआ। शायद इससे कबल दो मरतबा यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, एक इफ्तिताह के मौके पर और एक फाउंडेशन के मौके पर और एक शिवाज में पिछले सालों में आया। मुझे याद है 20 साल पहले इस मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन जब रखा था तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह का घर है। क्या से क्या बन गई मस्जिद, माशाल्लाह। मस्जिद में कदम रखिए, ईमान की हलावत मस्जिद में मिलती है। और नूर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा का नूर, उसकी झलक और उसकी किरणें मस्जिद में नजर आती है। और जो एक रूहानियत कल्ब को मिलती है वो मैं समझता हूँ कि तमाम कर्म बातें एक तरफ, मस्जिद की करामत का उसमें बड़ा अमल दखल है। मस्जिद की करामत है, मस्जिद में कदम रखते ही कल्ब को रूहानियत मिलनी शुरू हो जाती है। बड़ा अजीब सा एक वो समा था जिसको मैं महसूस कर रहा था। मैंने फौरन जो है अपने साथियों से तमाम नियत कर लो इतिकाफ़ की, नियत कर लो इतिकाफ़ की, नवई तो सुन्नत इतिकाफ़, ताकि वो उस रूहानियत की लज्जत और महसूस हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक महसूस कर रहा हूँ। हाँ, अभी मैं खुद मालूम नहीं मदीना मुनव्वरा की कौन सी गली में इस वक्त मौजूद हूँ, मालूम ही नहीं। खैर भारत, लेकिन वो है, यानी इससे मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि इस मस्जिद नूरुल हरम का कनेक्शन डायरेक्ट मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा से मिला हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तमाम तशरीफ लाने वाले मौजूद बुजुर्गों को, अजीज नौजवानों को, मोहतरम बहनों को और प्यारे बच्चों और बच्चियों को, सबको मस्जिद नूर हरम में आना मुबारक फरमाए और कबूल फरमाए। क्योंकि मस्जिद का तो जिक्र कुरान शरीफ में भी है, रब्बुल आलमीन जल जलालुहु वजल करामुहु इरशाद फरमाते हैं وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا। ये अल्लाह के घर हैं, ये अल्लाह के घर हैं, ये अल्लाह। माशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, बैठी बैठी चले त्रास। ये अल्लाह के घर हैं, ये पावर स्टेशन है, ये जहाँ से जाके चार्जिंग मिलती है, ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। सुन्नत जमात की मस्जिद में आने के बाद हमारे ईमान की बैटरी को चार्जिंग मिलती है। रास्ते में एक दो और मस्जिदें भी आपने देखी होंगी, वहां पे कोई चार्जिंग नहीं। हाइब्रिड दिल है, इलेक्ट्रिक दिल है, इनकी चार्जिंग सिर्फ हमारी सुन्नी मस्जिदों में। और ये हमारा ईमान है, अकीदा है कि हमारी मस्जिदों में अल्लाह ताला की रहमत का ख़ास नुज़ूल होता है। और ख़ास तौर पे ये जो महीना है, इस मीलाद शरीफ के महीने में जो हमारे ईमान की बैटरियों को चार्जिंग मिलती है, वो खुश नसीब हैं ये अय्याम में जो मौजूद हैं, जो सुकून दिल मिलता है, जो चार्जिंग मिलती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मिलाद मनाने की भरपूर तौफीक नसीब है।
क्योंकि मिलाद शरीफ जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। अब वो जो इतराज करते हैं, जो फजूल में आर्ग्यू करते हैं, अच्छा तो ये तो पूछे आप मिलाद क्यों ना मनाएं, क्यों ना मनाएं? कुरान शरीफ से साबित है, बड़े बड़े अंबिया और मुरसलीन सैयदना आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम से लेकर 20 तक पैगंबरों की यौम विलादत को मनाया गया, खुशी का इजहार किया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 20 आयात तैयबात में उसका जिक्र है, मुबारक है। और जहाँ तक हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का हुक्म, ये हमें कुरान से मिला है। हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादरीब, उनकी तकरीब, उनके यौम विलादत को मनाना, उस पर एहतमाम करना, ये कुरान से साबित है और हमें कुरान से मिला है। आपको एक जगह बता दें कि जहाँ ये मौजूद है कि मीलाद ना मनाओ, क्यों ना मनाए? दुनिया में जो है, जब सबके बर्थडे मनाए जाते हैं, अब तो ये कि डेड डे भी मनाने लगे लोग, लेकिन हम तो बर्थडे मनाते हैं, और केक भी कटता है और चिरागा भी होता है और बर्थडे का इहतमाम भी होता है। तो जिनके सपने में हमको ये सब मिला है, जिनके सपने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सब कुछ अता फरमाया है, उनका मिलाद क्यों ना मनाए, उनका बर्थडे क्यों ना मनाए? उनकी मोहब्बत में, उनके इश्क में हम क्यों ना नाज शरीफ को पढ़ें? ये सब हदीस मुबारका कुरान मजीद फुरकान हमीद से सब साबित है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर बेपनाह अजर सवाब का वादा फरमाया है। तो ये जो रोकने वाले हैं, ये तो खुद कमल अकल लोग हैं। आप तो नाज शरीफ मुझसे ज़्यादा सुनते हैं, आप सबको ज़्यादा आते हैं वही जिनको, हाँ हम तो खुश नसीब हैं, हमें उन्होंने बुलाया है, वो महरूम है जिनको नहीं बुलाया है, वो महरूम है। और अल्लाह ने हमको तौफीक दी है, हम अपने बच्चों का भी मिलाद करते हैं, हम अपना मिलाद भी करते हैं, और जिनके सपने में अल्लाह ने हमको ये ज़िंदगी अता फरमाई है, उनका सबसे पहले मिलाद करते हैं। बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो महबूब हैं कि जिनको 1,24,000 अंबिया और रसूल, 1,70,000 कमोबेश मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन 1,24,000 अंबिया और रसूल में से इनको महबूब चुना है, द मोस्ट बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा महबूब चुना है कि जिनके नाम नामी को अपने नाम के साथ जुड़ा दिया है। हाँ, कैसे जुड़ा दिया? मुसलमान हो नहीं सकते जब तक उनका नाम नामी ना लो। कलमा सुनो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुनाओ कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुसलमान हो गए सारे, क्योंकि सरकार का नाम दिया है। मस्जिद में बुलाया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल, अब आ जाओ नमाज के लिए। अब नमाज में आ गए तो अत्तहियातु लिल्लाह सलावात तैयबात सब अल्लाह के लिए,
फिर क्या कहा, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, नबी पे सलाम भेजा, दुरूद पढ़ा, नमाजों की हो गई। अगर सलाम नहीं भेजा नबी पर, अगर दुरूद ना पढ़ा नमाज में और अजान में नाम नामी नहीं पढ़ा, तो ना अजान होती है ना नमाज होती है और कलमा मुकम्मल नहीं होता। ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पुरूर सैयदुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में भेजा, लेकिन उनके स्टेटस को सबसे बुलंद फरमाया। उनकी उनकी उनको उनकी आमद को सबसे पहले बनाया, सबसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी में आता है, कुंतु नबियन व आदम बैन माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था, अल्लाह का महबूब था, जब आदम जो थे वाज बिटवीन द क्ले एंड सैंड, जब वो अभी वो तैयार नहीं हुए थे, जब वो मिट्टी में और उसमें कले में थे, तब मैं उस वक्त भी नबी था। तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पुरनूर सैयद अलआलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महबूब सैयद अलआलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त नबी बनाया, और जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया, इन उनकी खातिर वो ना होते तो कुछ ना होता। ही इज रीजन, He is a serious reason for the creation of this entire universe. अगर वो रीजन ना होते, उनको मॉडल बना के सामने रखा और जैसा उन्होंने चाहा वैसा अल्लाह ने दुनिया को बना दिया, सारे आलमों को बना दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने जहाँ अपना कुरान मजीद फुरकान हमीद में यही इरशाद फरमाया है फातिहा किताब में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहुंचा मिल के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह। ये तो अल्लाह रब्बिल आलमीन का इंट्रोडक्शन हो गया ना। पाक है वो जात जो तमाम आलमों का रब है, हाँ सुभानअल्लाह, उसी की हमद है, उसी की सना है। अब अपने महबूब का फरमा रहा है, अल्लाह खुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, तो महबूब का फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सबके साथ पढ़ो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाया। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आप को नहीं छुपाया और अपना बयान फरमाया, तो वही अपने महबूब का अपने साथ बयान फरमाया, और महबूब जिनको बनाया है उनका मकाम इतना बुलंद है कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब का बयान फरमा रहा है, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व मनवालुहु इरशाद फरमा रहा है। देखिए मैंने आपको सब बता दिया, आई एम कमिंग ग्रेजुअली पॉइंट आफ्टर द पॉइंट। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम नामी अजान नमाज हर चीज में अपने महबूब को साथ रखा और महबूब का मकाम रहमतों में बयान फरमाया। अब फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन महबूब से मोहब्बत का हुक्म फरमा रहा है, महबूब पे दुरूद सलाम का हुक्म फरमा रहा है, रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व मनवालुहु इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ओम सल्ला सय्यदना मुहम्मदिन
وعلى آل سيدنا محمد محبوب سيد العالمين صلى الله عليه وسلم پہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں, درودوں کے گجرے. گجرہ کیا ہوتا ہے؟ ون آفٹر اندر, ون فلاور آفٹر اندر فلاور. گجرے, درودوں کے گجرے, یعنی ون صلوات علی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلوات علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی without any stoppage, no signal in the center. ایک درود کے بعد فوراً دوسرا, connected درودوں کے گجرے. کیا گجرے ہیں؟ خوشبو آ رہی ہے, یعنی گجرے بغیر درود کے ہیں تو خوشبو آ رہی ہے. اب اگر یہ درود یعنی گجرے ہوں گے تو کتنی خوشبو آئے گی؟ حضور فرور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا حکم ہے. ہاں سبحان اللہ. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا حکم فرمایا, پھر اس کے بعد آگے آیت میں ارشاد فرمایا, رب العالمین جل جلالہ و علا ارشاد فرما رہا ہے, قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم عبادت کر رہے ہو اللہ کی, صلو کما رأیتمونی اصلی. محبوب فرما دیجئے تم عبادت اللہ کی کر رہے ہو لیکن تم کو طریقہ محمدی سے عبادت کرنی ہے. نماز بھی قبول نہیں ہے اگر حضور کا طریقہ نہیں ہے. نہ نماز قبول ہے نہ عبادت قبول ہے حضور کے طریقے سے قبول. تو محبوب کی اطاعت کرنی ہے, محبت کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے مقام کو بیان فرمایا تو محبوب کا مقام بے پناہ بلند بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عزیز علیہ ما علمتم حریص علیکم المؤمنین رؤوف رحیم. محبوب ہمیں عزیز ہے اور یہ جو عزیز ترین محبوب ہے مائی بلاوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنی امت کے لیے بے پناہ رؤوف ہیں, رحیم ہیں, کرم فرماتے ہیں, نوازتے ہیں, اور ان کے صدقے میں سب ملتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محبوب کا یہ بیان فرمایا پھر یہ فرمایا کہ محبوب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہیں, یہ ہم میں سے ہیں. مقصد جاگو ٹھیک ہے, پھر یہ فرمایا کہ نعمت ہیں یہ آپ کے درمیان جو ہے میرے محبوب, یہ بہت بڑی نعمت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمت عظمیٰ بنا کر پیش فرمایا ہے اس امت, اس گناہگار امت کے لیے. ہاں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, رب العالمین جل جلالہ و علا ارشاد فرما رہا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت احسان فرمایا, نعمت عظمیٰ اس امت کو عطا فرمائے. تو یہ نعمت عظمیٰ ہر نعمت کا چھٹے کا حکم فرمایا ہے اور اس نعمت کے چھٹے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن شریف میں حکم فرمایا ہے. وَأَمَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَالُهُ وَأَمْنَوَالُهُ الشَّاطِرِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نعمت کا چرچا کرو, اتنی بڑی نعمت بنا کر بھیجا, احسان فرمایا
और ये हम हमारे हादी और रहनुमा हैं जो हमको सब बता रहे हैं, जो तरीका सिखा रहे हैं, द मोस्ट एक्सपर्ट ऑथेंटिक मैनुअल ऑपरेटर ऑफ द होली कुरान, मैनुअल ऑपरेटर ऑफ द होली कुरान। जब मोटर गाड़ी लेते हो किसी शोरूम से ना, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, उसको चलाने का तरीका मिलता है। हाँ, ऐसे चलेगी, ऐसे आगे जाएगी, ऐसे पीछे जाएगी, ऐसे ऑटो पे जाएगी, ऐसे मैनुअल पे हो जाएगी, ऐसे नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे हाइब्रिड हो जाएगी, ऐसे इलेक्ट्रिक बन जाएगी। हाँ, तो पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो मैनेजर जो है शोरूम वाला वो आपको देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सैयदुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथहर पर जब कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल फरमाया, ये कहीं नहीं उतर सकता था। हाँ, ये सिर्फ कल्ब मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमाई थी, जो उनके कल्ब अथहर पे नाजिल हुआ, उसका मैनुअल ऑपरेटर बना दिया उन्होंने। हाँ, बीबी आयशा सिद्दीका फरमाती है, काना खुलूमुहु कुरान, उनकी लाडली अहलिया मोहतरमा, हम गुनाहगार उम्मत की माँ, हमारी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की, काना खुलूमुहु कुरान, कुरान तो फरमाता है ربنا من جلال ومن الشات مرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. अब लेकिन सर्टिफिकेशन पीछे से जो है ना, अप्रिसिएशन उनकी अहलिया मोहतरमा, इस गुनाहगार उम्मत की माँ बीबी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, उसको सर्टिफाई करती हैं, उसको उसको अप्रूवल देती है, काना खुलूकुहु कुरान, वो एक चलता फिरता कुरान थे। इन द वे ही यूज्ड टू स्टैंड इट वाज इन कुरानिक स्टाइल, व्हेन ही यूज्ड टू सिट इट वाज द कुरानिक स्टाइल, द वे ही यूज्ड टू टॉक इट वाज द स्टाइल ऑफ द कुरान, एंड द वे ही यूज्ड टू मीट द पीपल इट वाज द वे ऑफ द कुरान for the entire Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So whatever was his doing was just according to the Quran. Huzur Panur sallallahu alaihi wasallam ko Allah tbarak wa taala ne puri authority ata farma di. Ye shirk nahi hai, wo jahil hai, wo kone wala maulvi jahil hai जो कहता है कि हम शिर्क करते हैं। हम शिर्क नहीं करते, वी आर नॉट डूइंग शिर्क, इट इज ऑलमाइटी अल्लाह सुभानहु व तआला हु डाइवर्टेड ऑल हिज पावर टू हिज बिलव्ड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह के रूप में शरीक नहीं कर रहे, लेकिन सब अताई है, अताई है, अल्लाह ने उनको अता फरमाया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फरमान हमीद में ये हुक्म फरमाया है, रब्बुल आलमीन जलालुहु व मनालुहु इरशाद फरमा रहा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो मेरे महबूब तुम्हें अता फरमाते हैं वो तुम ले लो, अपना लो। यू हैव टू अडॉप्ट दैट स्टाइल, you have to adopt that way, you have to become, try to become the best you can the same way. This is Quran describing the life of different, describing the personality of beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. To ye Allah tbarak wa ta'ala ki taraf se ye bahut bada inaam hai, yakeen kare main aapko bataun, बस अल्लाह इस उम्मत के हाल पे रहे फरमाया, बहुत गड़बड़ है,
मुझसे ज्यादा आप लोग जानते बहुत गड़बड़े हैं। अफसोस होता है बहुत। अल्लाह ताला हमारी नई नस्ल की हिफाजत फरमाए। हाँ, पिछली उम्मतें थोड़ा सा कोई एक गुनाह करते थे असाब आते थे, अल्लाह ताला उनकी शक्लें बिगाड़ देता था। कभी बंदर की शक्ल हो जाती थी, कभी बदमानस की शक्ल हो जाती थी, कभी लंगूर की शक्ल हो जाती थी। ऐसे ऐसे अजाब आते थे उनके गुनाह की वजह से। अब जब देखता हूँ, दुनिया से जाता आता रहता हूँ, मुसलमानों को देखता हूँ, यहाँ तो माशाल्लाह फ्री है। मुसलमानों का अल्लाह याद है। हाँ, क्योंकि उनको श्योरिटी है, दिल में ईमान है कि हमें माफी मिल जाएगी। सब फ्री भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए, हमें भी माफ़ फरमाए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। माशाल्लाह, वेलकम वेलकम, माशाल्लाह। तो बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला पिछली कौमों पर अजाब नाज़िल फरमाता था, कौमों को तबाह फरमा देता था, लेकिन बिकॉज द रीजन इज दैट कि वी आर द उम्मा ऑफ बिलव प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हम पे इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहा। रब्बुल आलमीन जल्लाद व मनवाल इरशाद फरमा रहा है, मा कान अल्लाह युअज्जिबहुम व अंत फीहिम। काफिर कहते थे मक्के के सारे पुराने नबी जो थे वो सब बद्दुआएं देते थे, जब उनके साथ कुछ गलत होता था उम्मत नहीं सुनती थी तो बद्दुआ देते थे अपनी उम्मत को, उम्मतें तबाह हो जाती थी। आप हम आपके नाफरमान हैं, हम नहीं सुनते, हम उल्टा कर रहे हैं, आप हमें बद्दुआ दें। तो अल्लाह ताला की आयत नाजिल हुई कि अल्लाह अजाब नहीं देता इन काफिरों को जो ये इस नाफरमानी के उतर आए हैं और जो आपकी नहीं सुन रहे, इनको अजाब इसलिए नहीं दे रहा कि या रसूल अल्लाह आप इनके दरमियान मौजूद हैं, आप इनके दरमियान मौजूद हैं। और आज उम्मत में माशाल्लाह सारी नाफरमानियां, सारे गुनाह, अजाब नहीं आ रहा, अजाब नहीं आ रहा। बड़ी अहम बात है ये, अजाब नहीं आ रहा। तो मालूम ये हुआ, क्या मालूम हुआ? गिव अ थॉट टू योर कॉमन सेंस, व्हाई, व्हाट इज द रीजन देयर इज नो पनिशमेंट कमिंग फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इज्तिमाई अजाब, कोई छोड़ा तो एक आदमी करता है गुनाह, उसको उस वक्त सजा मिलती है, अल्लाह ताला डिस्पोजल कर ले। इज्तिमाई अजाब, कौमे तबाह, मुल्क तबाह, ये सब कुछ तब क्यों नहीं हो रहा? तो मालूम क्या हुआ कि उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब, आप इनके दरमियान मौजूद हैं तो हम अजाब नहीं दे रहे। तो मालूम ये हुआ, आज और ज्यादा गुनाह होते हैं, और ज्यादा गड़बड़ होती है, अजाब नहीं आता, क्योंकि रसूलुल्लाह 1400 साल पहले भी हमारे दरमियान मौजूद थे, आज भी हमारे दरमियान मौजूद उनकी रहमत, उनकी रहमत की वजह से बचे हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे ईमान को मजबूती अता फरमाए। ये कुफर का दौर है, और बस यही दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह ताला ईमान बचा कर साथ ले जाने की तौफीक नसीब करे। सबसे बड़ी दौलत जो है ये कपड़ा, ये कुर्ता, ये कोई, ये अंगूठी, घड़ी, ये चश्मा, ये दौलत नहीं है। रोड, बंगला, मकान, कोठी, प्लाजा, मोटर गाड़ी, ये कोई दौलत नहीं है। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है।
ईमान की दौलत है, ये सब यही रह जाएगा, सब यही पर छोड़ कर जाना है, हाँ बंद होगी सब, सब यही छोड़ के जाना है, साथ में कुछ नहीं जाएगा, ईमान साथ में जाएगा। इजामात अल इंसान इनकता अनहु अमलहु इल्ला सलास, सारे अमल मुनकता हो जाएंगे सिवाय तीन के, वो जो इल्म जिससे वो दूसरों को फायदा पहुंचाता, या खुद जिसने इल्म की वजह से दूसरों के लिए भलाई की, और सदका जारिया मस्जिद बना दी और जमान बना दी और खजूर का दरख्त लगा दिया, लोग साए में बैठते, कुआं खुदवा दिया, मस्जिद बना दी, कोई चैरिटी सेंटर में डोनेट कर दिया, जो किसी ने गरीबों का भला कर दिया, ये साथ जाता है। और वलद सालेह दौला, ये नेक बेटा जो छोड़ के गए हो उसकी दुआ काम आएगी, तो ये सब यही रह जाएगा। और आजकल ये ईमान को बचाना तो वैसे ही अल्लाह ताला रहम फरमाए, बड़ा कुफर का दौर है पूरी दुनिया के अंदर, और क़यामत की निशानियाँ थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई हैं। मैं खबरें वगैरह सुनता था, देख रहा था, अरब की सरजमीन पर अब बारिशें हो रही हैं, हरियाली सब्जा पहाड़ों पर उग रहा है, और जो कल तक बकरियां चराते थे, गोट चराते थे, कैमल चराते थे, अब वो जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं और बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये सब क़यामत की निशानी है। तो क़यामत दुनिया में सब रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाल चढ़ेगा बन जा रहा, सब दुनिया में रह जाएगा, साथ में सिर्फ नेकी जाएगी, और नेक औलाद जिनको नाक पढ़नी सिखाई है, कुरान पढ़ना सिखाया है, नमाज पढ़नी सिखाई है, ये साथ जाएगा। और जब तक ये पढ़ते रहेंगे इसको, कब्र में आपको आराम मिलता जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, ये हकीकत है, दिस इज अ फैक्ट, द बर्थ ऑफ बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन द 12th ऑफ रबीउल अव्वल शरीफ, एंड द सैड डिमाइज ऑफ बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन द 12th ऑफ रबीउल अव्वल शरीफ। We celebrate the birthday of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And those people in the corner, you know, you all of you know them. They provoke us all the time to make it a anniversary day. No. हदीस शरीफ में हुज़ूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हर्रम अला अल-अर्द अन तकुल अज़साद अल-अंबिया, इन्नल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हर्रम अला अल-अर्द अन तकुल अज़साद अल-अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युर्ज़क, अल्लाह कि नबी ने जमीन, अल्लाह ने जमीन पे अपने नबियों को खाना हराम फरमा दिया है, सब नबी जिंदा हैं और उनको उनका रिस्क मिल रहा है। अब उनका रिस्क, उनकी न्यूट्रिशन, उनका डाइट प्लान, हाँ वो और तरह का होता है, आपका तो इंसान बंदा बशर का वेजिटेबल है, हाँ चिकन है, प्रॉन्स है, फिश है, मीट है, मरीशन चावल बिरयानी है, नहीं नबियों का ऐसा नहीं है, नबियों का जो डाइट प्लान है वो अनवारो तजल्लियात है। तो हम हुजूर का मीलाद क्यों मनाते हैं,
क्योंकि हमारा ईमान है कि हर नबी जिंदा है, आदम से लेके तमाम आगे मोहम्मद तक सब जिंदा है, और जिनके सत्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने सबको जिंदा रखा है वो सबसे पहले जिंदा है। जब उनकी उम्मत का एक छोटा सा अदना सा एक गुलाम एक उम्मती शहीद शहीद जिंदा है ना, शहीद जिंदा है मानते हो ना, शहीद जिंदा है। तो जब शहीद जिंदा है तो जिनकी वजह से शहीद को अल्लाह ने जिंदा रखा है वो सबसे पहले जिंदा है। तो कहते हैं कि मेरा नबी प्यारा नबी है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुजोरियम में अपने मजार पर अनवार में मस्जिद नबवी शरीफ में किसी नबी का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, किसी का भी नहीं है। 124,000 है, कहते किसी का कहाँ है, कोई उसमें है, कोई कहाँ पर है और कहाँ पर ऑथेंटिक कोई नहीं है, कोई सर्टिफाइड नहीं है। दिस इज द ऑनर ऑफ द उम्मा ऑफ बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट आवर प्रॉफिट ऑथेंटिक मुजोरियम इज इन मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी हेडक्वार्टर, और वहां पर हमारे महबूब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी उम्मत को मॉनिटर कर रहे हैं देख रहे हैं। तो आज जो हम मीलाद मना रहे हैं कि यकीन रखो ऊपर वाली आंखें देख नहीं सकती लेकिन दिल में एक आंख है वो देख रही है। मदीने में सरकार मीलाद सेलिब्रेशन को देख रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला इन मीलाद सेलिब्रेशन की बरकत से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर करम फरमा रहा है, गुनाह धुल रहे हैं, बीमारियां दूर हो रही हैं, परेशानियां दूर हो रही हैं, मुश्किलें आसान हो रही हैं, नेक हाजतें पूरी हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेक दुआओं को कबूल फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे नूरुल हरम को मेरे दिन में बहुत बरकतें अता फरमाए और जो इसकी खिदमत कर रहे हैं क़िबला इमाम साहब आले रसूल और हमारे तमाम मुतवल्ली साहब और साथी हज़रात अल्लाह ताला इन सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैं आप सबको ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद पेश करता हूँ, यौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मुबारक हो।